जैन दोस्तों, तो आप लोगों के लिए एक बड़ा झटका मिल गया है पहले से, क्योंकि पहले से का मतलब दिल्ली प्लस का जो फिजिकल है, जो 27 जनवरी से होना था वो नोटिस था, वो कितने जनवरी से है, 16 जनवरी से होना है कुल मिला के। तो 16 जनवरी से आपका फिजिकल होना है। अब भाई इतने कम समय में फिजिकल निकालना बहुत मुश्किल बात होती है, क्योंकि बच्चों ने पहले से तैयारी नहीं की। जब रिजल्ट आया तभी तैयारी शुरू करना की है, क्योंकि बहुत सारे भाई यूट्यूबर ने किसी ने भी मेरिट बता दी कि इतनी जाएगी इतनी जाएगी, उसके चक्कर में भाई किसी ने क्या किया अपना, मतलब कि फिजिकल की तैयारी शुरू नहीं की। फिजिकल की तैयारी शुरू नहीं की तो भाई उनकी तैयारी नहीं हो पाई, और दूसरी बात आपकी रिजल्ट आ गया, नाम आ गया, तो अब भाई धड़कन बढ़ने बढ़ लगी होगी कि भाई हमारे फिजिकल की डेट भी आ चुकी है, 16 जनवरी से आपके क्या होने हैं, फिजिकल होने हैं। 9 दिन, 9-10 दिन ही चलेंगे शायद, उसमें लगा 9 वर्किंग डेज, सैटरडे एंड संडे जीएच के दिन, ठीक है। तो अब नोटिस दिख रहा हूँ सीधा सीधा, इसमें रिगार्डिंग किसके है, दिल्ली पुलिस की फिजिकल की रिगार्डिंग है, ठीक है। कितने बच्चों के लिए, कितने वैकेंसी के लिए पता ही होगा, 7500-7447 वैकेंसी के लिए होना है, जिसमें 5000 कुछ किसके लिए, लड़कों के लिए है, और 2497 लड़कियों के लिए वैकेंसी, उस पर भर्ती चल रही है, पता ही है सबको, वही देख रहे होंगे भाई, वीडियो वही देखते हैं, ठीक है। एक चीज़ अब आगे बात करें, हम फिजिकल की डेट कितनी है, 16/1/2024 से फिजिकल होना है, नोटिस सबको मिल भी चुका होगा भाई। झटका में लगे आप लोगों की, अब तैयारी किस प्रकार से करें, कैसे करें, वो चीज़ है देखो भाई, क्योंकि 1600 मीटर पता है आप लोगों के लिए 6 मिनट में माननी है, ठीक है। और लड़कों लड़कियों के लिए मतलब कि 1600 मीटर है जो कितने, 8 मिनट के समथिंग माननी है वो चीज़ें, ठीक है। अब आगे बात करें हम, कि लंबी कूद भी है, लंबी कूद भी करनी है लड़कों के लिए, 14 फुट करनी है लड़कियों के लिए, 10 फिट करनी है, ऊंची कूद भी करनी है लड़कों के लिए, 4.25 फिट है लड़कियों के लिए, 3 फिट है, ये चीज़ है। लड़कों की हाइट, वेट, चेस्ट होगा, हाइट होगी, चेस्ट हो गए, लड़कों की केवल हाइट होगी, फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो भाई आपको रनिंग करनी है ना, तो आप रनिंग कर रहे हैं ना, वही करें अभी पहले। आप लंबी कूद में फिर रहे होंगे सबसे ज़्यादा, और ऊंची कूद में घूम रहे होंगे, कर रहे होंगे, मतलब कि प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो लंबी कूद पर ध्यान दें, रनिंग पर ध्यान दें, ठीक है। अब एक चीज़ और बताएं सबसे बढ़िया, दो इसमें अभी नंबर भी नहीं आए हैं, नंबर मतलब कि स्कोर कार्ड भी जारी नहीं किए गए हैं, और आपका फिजिकल होने जा रहा है, तो वो फिजिकल की बात हम बात करें, तो फिजिकल में आप फिजिकल देंगे, इतने कम समय में इतने सारे बच्चे फिजिकल दे रहे हैं, यानी 86,000 बच्चे थे लड़की लड़की मिला के, तो कम समय है, तो कम समय बताओ कितने बच्चों का निकलेगा, बहुत सा कम बच्चों का निकलेगा, यानी कम बच्चों का सीधी सीधी बात है फिजिकल निकलना है। जो ज़्यादा पढ़ने के लिखने वाले बच्चे हैं ना, उनका फिजिकल नहीं निकलना है, क्यों, उनके लिए तो समय नहीं मिला। जो है जो खचरा बच्चे हैं, खचरा का मतलब जो अच्छे फिजिकल में दौड़ने में हर चीज़ में है ना, उनका टेस्ट निकल गया तो उनका क्लियर सिलेक्शन हो ही जाना, कम भी नंबर हो जाने, क्योंकि मेरिट अब ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी, क्योंकि फिजिकल बहुत जल्दी कराना, फिजिकल बहुत जल्दी कराना मतलब कि फिजिकल बहुत कम बच्चे निकाल पाएंगे, बहुत कम बच्चे निकाल पाएंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ मेरिट कम जाएगी, सीधी सीधी बात है। तो फिजिकल की अच्छी तैयारी करते रहिए, बस 15 दिन में ऐसी तैयारी कर लीजिए ना कि आपका फिजिकल केवल फिजिकल निकल जाए, हमें एक्सीडेंट से मतलब नहीं, हमारी रनिंग लास्ट में आए लेकिन निकल जाए, ठीक है, हमारी रनिंग निकल जाए, बस ये रखो मतलब, हमारी लंबी कूद हो जाए, हमें नहीं मैं 18 फिट 20 फिट करना है, नहीं है मतलब नहीं, हमारी 14 फिट हो जाए, 10 फिट हो जाए लड़कियों के लिए, 10 फिट हो जाए हमारी लड़के, हमारे 14 फिट हो जाए बस, केवल पास हो जाए उसमें, ऊंची कूद में पास हो जाए बस, इसी जरूर ध्यान रखें, इतनी कोशिश करना है, इतनी करना है कि एक्सीलेंट, क्योंकि कम ही समय बचा है। आज कितनी तारीख है, 3 तारीख है, आज 3 जनवरी है, आपकी 16 जनवरी से एग्जाम बताओ कि फिजिकल शुरू है, मतलब कि 13-14 ही दिन बचे हैं, क्योंकि किसी का 16 जनवरी को होगा, किसी का आगे होंगे 20 जनवरी होगा, 22 जनवरी होगा, 23 जनवरी को होगा, किसी का अलग अलग होगा, तो अपनी तैयारी जरूर जोरों शोरों से बढ़ा दें, ठीक है। तो इसी प्रकार से आएंगे, लेकिन एक बड़ा झटका है आप लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए खुशखबरी है, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं ना दिल्ली पुलिस की, उनके लिए खुशखबरी इसलिए क्योंकि जल्दी फिजिकल होगा तो वो सोचेंगे मेरिट कम जाएगी, सोचेंगे मेरिट जाएगी कम, बढ़ेगी फाइनल मेरिट कम ही बढ़ेगी, ये जरूर ध्यान रखें। तो पिछली बार क्या हुआ था ना 2020 में, तो जब रिजल्ट मार्च में आया, और रिजल्ट जो मार्च में आया था और पेपर कराया गया था जून जुलाई की समथिंग, पेपर मतलब कि फिजिकल जून जुलाई की समथिंग कराया गया था, बहुत टाइम लगा था, बहुत सारे बच्चे पास हुए थे, जिससे मेरिट बहुत हाई चली गई थी उस समय, लेकिन इस बार नहीं होगा, इतनी हाई नहीं जाएगी इस बार मेरिट, जरूर ध्यान रखें। पिछली बार बहुत पैसे भी चले थे, फंड भी चले थे, हर चीज़ चली थी, जरूर ध्यान रखें, ठीक है। तैयारी करते रहें और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जय दोस्तों, धन्यवाद।